नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारा विषय है फल एवं सब्जियों का तुड़वाई के बाद प्रबंधन या भंडारण कैसे करें किसान भाई, ताकि उनको क्षति न पहुंचे, उनका उत्पाद खराब न हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हों तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बात करते हैं फल एवं सब्जियों का भंडारण या प्रबंधन किसान भाई तुड़ाई के बाद कैसे करें। फल एवं सब्जियों के गढ़ ढंग से रख रखाव, परिवहन, भंडारण व विपणन के दौरान लगभग 25-30% आपका उत्पाद नष्ट हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि फलों तर प्रबंधन द्वारा कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को रोका जाए। लगभग 10-15% ताजे फल एवं सब्जियां सिकुड़ जाती हैं या बासी हो जाती हैं, जिससे उनको बाजार मूल्य और उपभोक्ता मूल्य स्वीकार्यता कम हो जाती है उनकी। इस नुकसान को कम करके खेती योग्य अतिरिक्त भूमि के बिना इनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। और फलों एवं सब्जियों को सुरक्षित रखने के कुछ किसान भाइयों उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं फल एवं सब्जियों हेतु कर्षण क्रियाएं कि आपको क्या करना चाहिए जब आपकी फसल खड़ी होती है। तब नंबर एक, नियमित सिंचाई करें। नियमित सिंचाई करने से टमाटर, गाजर, मूली इत्यादि में फटने की समस्या से बचा जा सकता है। नंबर दो, कटाई या तुड़ाई से ठीक पहले सिंचाई न करें, इससे उत्पाद की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता दोनों में सुधार होता है। नंबर तीन, जमीन के अंदर वाली सब्जी जैसे आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि में कटाई के 15-20 दिन पहले सिंचाई आपको बंद कर देनी चाहिए, जिससे इसकी भंडारण क्षमता बढ़े। उसके बाद किसान भाइयों, उत्पादक बंधुओं को तरबूज के पकने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फलों एवं सब्जियों में आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग आप न करें। फल वृक्षों में कटाई छटाई करने से फलों का आकार बढ़ता है तथा घुलनशील ठोस तथा अम्लीयता घटती है। नींबू वर्गीय फलों की फलोत्तर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टाइफोलिएट, ऑरेंज, टेंगोलो या फिर कलियोपत्रा इत्यादि को मूल वृंत के रूप में काम में लेना चाहिए। नंबर सात, फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पोटाशियम, मैग्नीशियम व जस्ते का अनुप्रयोग करें। उसके बाद किसान भाइयों, कटाई से पहले रसायन उपचार भी आप कर सकते हैं, वो किस प्रकार है। कुछ ऐसे वर्ध नियामक और निरोधक उपलब्ध हैं जो फलों एवं सब्जियों में कटाई से पहले प्रयोग करने पर उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ा देते हैं। नंबर एक, आलू तथा प्याज में कटाई से 15-20 दिन पहले मेलिक हाइड्रेजाइड की 1.5-2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल फसल पर छिड़काव करने से भंडारण के दौरान 4-5 महीने तक फुटान की समस्या से निजात पा सकते हैं। नंबर दो, इसी तरह पत्तेदार सब्जियों के खराब होने से बचाने के लिए N6 बेजोइन एडिमिन का छिड़काव करना चाहिए, जिससे सब्जियों को 2-3 दिन ज्यादा ताजे रखा जा सकता है। नंबर तीन, आम में एंथ्रेक्नोज और तना अंतगलन को रोकने के लिए टोप्सिन M 0.1% या फिर बावास्टिन 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर तुड़वाई से पहले छिड़काव करें। इसी प्रकार नागपुर मेड्रिन में तुड़वाई के पश्चात सड़न को रोकने के लिए 0.1% वेनेलेट व 0.1% बाबास्टीन का 15 दिन के अंतराल पर तुड़वाई से पहले 3 छिड़काव करें तो समस्याएं कुछ हद तक कम हो जाती हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, सही समय पर कटाई। नंबर एक, सब्जियों की कटाई उनके पूर्ण विकास कोमल अवस्था पर करें। नंबर दो, जहां पर फल व सब्जियों को दूर के बाजार में भेजना हो तो वहां पकने से कुछ समय पहले कटाई या तुड़ाई करें, जबकि नजदीकी बाजार के लिए पूरी तरह पकने पर ही कटाई करनी चाहिए। नंबर तीन, फल व सब्जियों की तुड़वाई दिन के ठंडे समय पर करनी चाहिए, विशेषतः सुबह के समय करें तो वो सबसे उपयुक्त है। उसके बाद नंबर चार है, वर्षा के दौरान व तुरंत बाद तुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवाणुओं के गुणन की सबसे उपयुक्त अवस्था होती है।
नंबर 5 नींबू वर्गीय फलों को वर्षा में तोड़ने से उनकी त्वचा स्पीत पर आसानी से टूटने वाली हो जाती है, यानी उनकी त्वचा जल्दी टूटने वाली हो जाती है। नंबर 6 आम के तने से लेटेक्स आने से पहले फलों को तोड़ लेना चाहिए, जिससे फलों पर काले धब्बे नहीं बनते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों धुलाई और छटाई की। धुलाई से फलों व सब्जियों में बाहरी आकर्षण के साथ साथ हानिकारक जीव और विषैले रसायनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फलों व सब्जियों की छटाई उनके आकार, रंग तथा कोमलता को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। उपचार कर सकते हैं आप क्या है, फसल की कटाई के पश्चात 4 से 5 दिन तक छाया में सुखाकर नमी कम करने की क्रिया को उपचार कहते हैं। आलू, प्याज, लहसुन व शकरकंद की खुदाई के तुरंत बाद ठंडल काटकर 4 से 5 दिन तक छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद है किसान भाइयों एप्लीकेशन, कन्नू, संतरा, नींबू, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा आदि को वैक्स घोल से उपचारित करने से ये सिकुड़ते नहीं है और रंग रूप अच्छा रहता है, जिससे ये लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। बाजार में 2 तरह के एप्लीकेशन या फिर वैक्स उपलब्ध है, W जो कि केवल नमी को संरक्षित करता है, जबकि O नमी संरक्षण के साथ साथ फल एवं सब्जियों में चमक भी बढ़ाता है। यानी ये 2 हैं, एक W है और एक O है, तो आप इनमें से चुन सकते हैं, मेरे ख्याल से O ठीक रहेगा। उसके बाद है किसान भाइयों पूर्व शीतन, अधिक तापमान एवं पर फल एवं सब्जियां खराब हो जाते हैं, इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस से कम ताप क्रम बनाए रखने के लिए कटाई के उपरांत पहले पत्ते वाली सब्जी तथा भिंडी आदि को ठंडा किया जाना जरूरी है। इसके लिए पानी में बर्फ डालकर ठंडे पानी का छिड़काव करें या फिर पैकिंग के ऊपर भी आप बर्फ रख सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों पैकिंग, फल एवं सब्जियों को भंडारण या विपणन के दौरान सुरक्षित रखने के लिए अच्छी पैकिंग आवश्यक होती है। पैकिंग सुरक्षा देने वाली हो तथा ठंडा रखने के लिए हवा के उचित संचार की व्यवस्था हो। सख्त सब्जियां जैसे आलू, प्याज, मूली, गाजर इत्यादि को टाट के बोरे में भरा जा सकता है, जबकि आम, अमरूद, नींबू आदि फलों के लिए लकड़ी के बक्से को काम में लेना चाहिए या फिर आप कोई प्लास्टिक की ट्रे भी उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों फल एवं सब्जियों का परिवहन किस प्रकार करें आप, सही यातायात साधनों का प्रयोग करें, अधिक भराव न करें, वाहन धीरे तथा सही ढंग से चलाएं, वाहन के टायरों में हवा कम रखें। फल एवं सब्जियों के परिवहन के लिए शीत वाहनों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों प्रसंस्करण, फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे फल एवं सब्जियों को सुखाना, डिब्बा बंदी या बोतल बंदी इत्यादि करना। उसके बाद है किसान भाइयों फल एवं सब्जियों को सुखाना, फल एवं सब्जियों को काटकर या छीलकर या धोकर साफ करें, जल्दी सुखाने के लिए उबलते पानी में ब्लाच करें। फल या सब्जियों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने के लिए पहले गंधक के धुएं में रखें, फिर पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड के 1 से 2% घोल में डुबोकर रखें। फल एवं सब्जियों को धूप में या फिर डिहाइड्रेटर में सुखाया जा सकता है। डिहाइड्रेटर की शुरुआती तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस होता है, तो लगातार बढ़ाकर सब्जियों के लिए 60 से 65 डिग्री और फलों के लिए 65 से 71 डिग्री सेल्सियस आपको रखना चाहिए। तो ये तो थी किसान भाइयों फल व सब्जियों के भंडारण की कुछ जानकारी। यदि आपको अच्छी लगे तो आप हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और यदि वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पर आके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से प्रार्थना है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम एक और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।